नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, COVID-19 की वजह से हमारे परिषदीय स्कूल बंद हैं और बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए शिखा वर्मा जी ने एक वर्चुअल क्लास स्टार्ट की है। इस क्लास के माध्यम से वे बच्चों को कार्टून के माध्यम से जीके के सामान्य प्रश्न कराती हैं, जिससे बच्चे इंटरेस्टिंग वे में उसको बड़ी आसान तरीके से सीख जाते हैं। साथियों, शिखा वर्मा जी पूर्व माध्यमिक विद्यालय जचोंदा, ब्लॉक मथुरा, जनपद मथुरा में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं और वे बहुत सुंदर वीडियो बनाती हैं वर्चुअल क्लास की। और इसके लिए शिखा वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी सुंदर वीडियो बनाई, और वीडियो बनाने के बाद वे मुझे प्रत्येक दिन इन वीडियो को उपलब्ध कराती हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको अपने बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आज हमारी वर्चुअल क्लास का ये पार्ट नंबर 10 है। इससे पहले के पार्ट भी आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है सामान्य ज्ञान की, आप उसमें जाकर देख सकते हैं और बच्चों को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं शिखा वर्मा जी आज की अपनी वर्चुअल क्लास में बच्चों को क्या बता रही हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून बच्चों, आज आप सबने लंच में क्या खाया? मैडम मैं बताऊं, आज लंच में राजमा की दाल और चावल आए थे। मुझे राजमा बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, हमने कल पढ़ा था कि हमारे चारों ओर का वातावरण यदि साफ स्वच्छ होगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमें कोई बीमारियां नहीं होंगी। साथ ही हमें अपने भोजन का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें खाने में वही खाना चाहिए जो हमारे लिए लाभदायक हो। हमें ये टॉफ़ी, चॉकलेट और पैकेट बंद चीज़ों को कम खाना चाहिए। बच्चों, हमें बचपन से ही संतुलित आहार खाने की आदत होनी चाहिए। अरे मैडम, संतुलित आहार क्या होता है बताइए ना। बच्चों, संतुलित आहार एक ऐसा भोजन है जिसमें शरीर स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व और खनिज लवण होते हैं। और बच्चों, यदि हम संतुलित आहार खाएंगे तो हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलता है और आप सभी बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास भली भांति होगा। बच्चों, आप सभी को अधिक सब्जियां और फल खाने चाहिए। अब राहुल, तुम बताओ कि इस चार्ट में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मैडम, मुझे इसमें ब्रेड दिखाई दे रही है और सब्जी बैंगन, टमाटर, गोभी, मटर और दाल दिखाई दे रही है, राजमा की दाल दिखाई दे रही है, दूध, दही और घी, मक्खन दिखाई दे रहा है। मैडम, सही बताया राहुल तुमने। और ये चार्ट आप सभी जो देख रहे हैं बच्चे, ये हमारा संतुलित आहार का चार्ट है। इसमें हमें क्या क्या खाना चाहिए और किस पदार्थ को खाने से, किस भोज्य पदार्थ को खाने से हमें क्या मिलता है, यह सब बताया गया है। मैं आपको समझाती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनो। हाँ बताओ मैडम, हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए? बच्चों, हमें अपने प्रतिदिन के भोजन में संतुलित पोषण के लिए ताज़ा फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन, घी, मक्खन, दूध, दही सब कुछ खाना चाहिए, क्योंकि इनसे हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होते हैं, जिनसे हमारे शरीर का तो विकास होता ही है, साथ ही मानसिक विकास भी हमारा होता है। मैडम, मैं तो रोज एक गिलास दूध पीता हूँ सुबह उठते ही। मैं तो दूध भी पीता हूँ और फल भी खाता हूँ। मेरे बगीचे में आम लगे, मैं आम खाता हूँ। बच्चों, आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए। इस चार्ट में जो सबसे ऊपर बना हुआ है, आलू, ज्वार,
बाजरा, गेहूं, चावल, शुगर, इन सभी से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। और ऐसे पदार्थ जिनसे कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। मैडम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक बार और बता दो मैडम। हाँ बच्चों, गेहूँ, शुगर, ज्वार, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज, चावल, दाल, इन सबसे हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। यदि हम एक दिन भोजन नहीं करते हैं, खाना नहीं खाते, भूखे रहते हैं, तो हमसे कुछ काम भी नहीं किया जाता। देखा होगा ना आपने, तो हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा जिन पदार्थों से मिलती है उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। बच्चों दूसरे नंबर पे आपको क्या दिखाई दे रहा है इस चार्ट में, बताओ। मैडम मुझे इसमें मटर दिखाई दे रही है, बैंगन, गोभी, गाजर, पत्ता गोभी, टमाटर, ये सब सब्जियां दिखाई दे रही हैं इसमें। सब्जियां और सेब भी दिखाई दे रहा है मैडम, फल भी दिखाई दे रहे हैं इसमें। हाँ बच्चों, ये फल और सब्जियां ही तो हमें विटामिन और खनिज लवण देते हैं। और पता है बच्चों, विटामिन और खनिज लवण हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है। ये हमारे हड्डियों को मजबूत करते हैं और हमारे शरीर में नए सेल बनने में मदद करते हैं। मैडम अब तीसरे नंबर पे बताऊँ मुझे तीसरे नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है। मुझे तीसरे नंबर पे दूध दही दिखाई दे रहा है। मैडम इनसे क्या मिलता है, दूध दही से हमें? हाँ बच्चों, दूध और दूध से बनने वाली दूसरी चीज़ें जैसे दही, पनीर, इन सबसे हमें कैल्शियम मिलता है। और कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों और दांत के विकास और उनके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हाँ मैडम, मैंने देखा, मेरा एक दोस्त है, वो ना तो दूध पीता है ना दही खाता है, उसके तभी उसके सारे दांत खराब हो गए मैडम। बच्चों चौथे नंबर पर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, अंडा, दालें, दूध दही, सूखी मेवा, मीट, मछली, सब दिखाई दे रहा है। इन सब को खाने से हमें प्रोटीन मिलता है और प्रोटीन हमारे शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत और शरीर का विकास करता है। सबसे नीचे चार्ट में बच्चों मक्खन, घी और तेल का चित्र दिखाया गया है। इन सबको हम वसा कहते हैं। इनसे काम करने की ऊर्जा मिलती है और हमारे मस्तिष्क का, दिमाग का विकास होता है, मानसिक विकास होता है हमारा। परंतु अधिक मात्रा में इन्हें खाना हमारे लिए नुकसानदायक होता है। बच्चों अब आप समझे संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार ऐसा आहार होता है जिसमें हमारे ये सभी पोषक तत्व हों, प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण। और ये सब किस किस से मिलते हैं, गेहूँ, चावल, सब्जी, दालें, अंडा, दूध दही और घी मक्खन। आप सभी को स्वस्थ रहने के लिए इन सभी भोज्य पदार्थों का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। ठीक है मैडम, अब हम अब से इन सबको खाएंगे, दूध दही, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, फल, सब खाया करेंगे हम। हाँ मैडम, हम भी खाया करेंगे। हाँ बच्चों, आप सबको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको हर दिन भोजन में रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फल, दही खाना है। और साथ में बच्चों कम से कम एक गिलास दूध अवश्य पीना है आप सभी को। हाँ बच्चों, आप सभी का शारीरिक और मानसिक विकास भली भांति हो सके इसका ध्यान हमारी भारत सरकार ने भी रखा है। इसीलिए आपको स्कूल में हर सोमवार को फल खाने को मिलते हैं और प्रतिदिन स्कूल में दोपहर में अच्छा अच्छा भोजन खाने के लिए मिलता है। हाँ मैडम, हमें स्कूल में दोपहर का खाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ मैडम, हमें भी अच्छा लगता है। हाँ बच्चों, अब स्कूल की छुट्टी का समय हो गया है, अब आगे हम कल पढ़ाएंगे, आप अपने घर जा सकते हो।